तो कुछ इस तरह का बना है ये परांठा, थोड़ा जल सा गया है। और तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का, और सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो नए ब्लॉग में। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो एक और नया ब्लॉग हो गया है शुरू आपके लिए मार्केट वाले रूम से, और कुछ दिनों से मैं मार्केट में ही हूँ तो मार्केट का ही ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा होगा। आई होप आप मेरे हर एक ब्लॉग देखते होंगे, और जो चैनल पर नया आता है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। तो अभी मैं रोमन के रूम पे आ रखा हूँ चाय पीने के लिए, मेरे वहाँ पे दूध नहीं बचा था, और यहाँ आके पता चला कि इनके यहाँ पे भी दूध नहीं बच रखा है। तो रोमन भी मेरे गांव की है, मैंने थोड़ा बहुत हर एक ब्लॉग में इसे दिखाया है। से हाय, हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम फीकी चाय पी रहे हैं, वैसे मैं फीकी चाय पीता नहीं हूँ। तो एक नया ब्लॉग शुरू हो गया है, देखते हैं आज के ब्लॉग में आपको क्या देखने को मिलता है मार्केट वाले रूम से। और सुबह के 8 बज चुके हैं, मैंने जस्ट कल वाला ब्लॉग अपलोड करा है, कल वाला नहीं, 2-3 दिन आगे चल रहा हूँ मैं ब्लॉग से, मतलब 2-3 दिन पीछे के ब्लॉग देखने को मिल रहे होंगे आपको। तो हर एक ब्लॉग को देखिए और अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। तो देखते हैं आज क्या होता है आज के ब्लॉग में। ब्लॉग तो शुरू हो ही गया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में चाय पी के। तो ये चाय बना दी है दीपिका ने, जो कि कैमरे को बिल्कुल भी फेस नहीं करती। रोमन आ जाते हैं कैमरे के सामने, लेकिन दीपिका कभी भी नहीं आते हैं। तो अब बारी है सुबह के नाश्ते की, और नाश्ते में मैं कल बोला था मैंने कि परांठे बनाऊंगा, लेकिन नहीं बनाए, तो आज बनाते हैं परांठा। तो देखो कल से पानी नहीं आ रहा ना, तो सारा पानी यहाँ पर भर रखा है 2 बाल्टी और बोतल पर, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पानी की। तो बिना आलू का परांठा बनाऊंगा आज, आलू उबलने में तो लेट होएगा, 8:30 हो चुके हैं, तो मतलब तेल वाली रोटी कह सकता हूँ मैं इसे, वही मैं आज नाश्ते में बनाऊंगा। तो अभी मेरा प्लान तो नहीं है कहीं जाने का, जैसे कि मार्केट कल मैं गया था और कल मैंने सारा काम निपटा लिया था। तो अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ फिलहाल, फिर आज संडे है तो क्या पता कहीं घूमने का प्लान बने, तो देखते हैं। अभी पहले नाश्ता रेडी करते हैं अपने लिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने रोड पे, तो अभी मैं दूध लेके आ गया हूँ रोड से, और परांठे के साथ चाय सही है, पर फीकी चाय मैं पीता नहीं, तो मैं दूध लेके आ गया। तो इतना आटा काफ़ी होगा मेरे लिए, एक ही हूँ मैं, 2-3 परांठे बन जाएंगे इसमें बिना आलू के। और ये मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है, तो कुछ इस तरह से मैनेज कर रहा हुआ मैंने इस छोटे से रूम में अपना किचन, यहाँ पर बस छोटे से स्पेस पर इतने, और इधर यहाँ पे मेरा बेल्ट, वहाँ पे मेरी कॉपी किताबें, बस छोटा सा रूम जो कि आपको दिख ही जाता है हर एक व्लॉग में। इस तरह का सीन है यहाँ का। तो अगर आपको कुछ इस तरह का बना है ये परांठा, थोड़ा जल सा गया है, और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है, मतलब ये तेल वाली रोटी हो गई, क्योंकि परांठा तो आलू का होता है और इसमें मैंने आलू बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो और तीनों के तीनों सेम जगहों से जल रखे हैं, थोड़ा थोड़ा वैसे खाने लायक हैं ये। तो रोमन लोग भी आ रहे हैं और एक एक खाएँगे हम तीनों, क्योंकि उन्होंने भी नाश्ता नहीं बनाया था अभी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यहीं कर लो कि, तो आ रहे हैं तो वो चाय बनाएंगे और चाय के साथ हम परांठे, और उन्होंने चटनी भी बना रखी है तो चटनी भी खाएंगे। तो नाश्ता करके थोड़ा पढ़ाई करते हैं, जब मार्केट में रहे नहीं है तो अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अभी तो फिक्स नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, लेकिन तैयारी पे लगे रहते हैं, और साथ में ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो देखो क्या होता है, जो किस्मत पर होता है वो तो होता ही है। खैर आप ब्लॉग का आनंद लीजिए, और हम लेते हैं इन परांठे और चाय का आनंद, फिर से परांठे नहीं है ये। तो आज हम तीनों मिलके नाश्ता कर रहे हैं, और मैंने परांठे बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने चटनी लाई, और उन्होंने ऑमलेट भी बना रखा है और रोटी। तो अभी हम चाय का वेट कर रहे हैं और फिर करेंगे हम ये नाश्ता। और सुबह के 9 बज गए हैं और 9 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। ना गाँव में हर एक चीज़ जल्दी हो जाती है, मतलब नाश्ता भी हम 8 बजे तक कर लेते हैं, और मम्मी लोग काम पर निकल जाते हैं। तो लगभग 4-5 दिन हो गए हैं मुझे मार्केट में, और अब मैं कुछ दिन लगातार, तो यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ है बच्चों की, सारे पड़ोसी बच्चे ही बच्चे, इधर बच्चे उधर बच्चे, सिर्फ 2 कमरों पे नहीं है बच्चे, और सारे कमरों पे बच्चे ही हैं स्कूल वाले, और हर किसी के 2 बच्चे होते, तो एक स्कूल वाला और एक घर वाला, रोने के लिए भी चाहिए होता ना घर में कोई, तो वही सीन है यहाँ पे भी कुछ। तो कल मैंने ये पर्दा भी लगाया यहाँ पर ताकि थोड़ा हवा आती रहे ना, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा,
उस वजह से दरवाज़ा खुला रहे और हवा आती रहे। तो दिन के 12 बजने वाले हैं और कर लेते हैं दिन के खाने की तैयारी। और अभी तक मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और कहीं का भी प्लान नहीं बन पाया हमारा कि हम घूमने जाएं। प्लान तो था कि हम नचिकेता ताल जाएं, लेकिन शायद अब दूसरे वीक जाए संडे को। तो अब मैं दिन का खाना बनाता हूँ और दिन के खाने में मैं आज बना रहा हूँ आलू की खिचवानी, जो कि मेरी फेवरेट है। मैं सबसे शॉर्टकट जो मेरा साग है, चाहे मैं घर में बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, तो ज़्यादा मैं आलू की खिचवानी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मस्त सी लगती है आलू की खिचवानी। मेरी फेवरेट साग, मेरा फेवरेट साग है वो, और सबसे ज़्यादा मैं उसी को बनाता हूँ। तो पहले मैं खाना बनाता हूँ और उसके बाद सो जाऊँगा, फिर शाम को उठूँगा, शाम को कहीं घूमने जाऊँगा, क्योंकि मैं सुबह से रूम पे ही हूँ। थोड़ा मैं दूध लेने गया था ऊपर पे और तब से मैं रूम पे ही हूँ। तो पहले खाना बनाते हैं और फिर खाते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आलू की खिचौनी के साथ। मस्त से बनाऊँगा मैं अकेले में, अकेला खाना कितना होता इतना, और खाता भी कितना मैं इतना। तो बना लेते हैं पहले खाना। आलू मैंने कूट लिए है सिलबट्टे पे, थोड़ा हल्के बारीक भी नहीं है, मतलब थोड़ा मोटे मोटे है तो टेस्टी होती है। और प्याज टमाटर मैंने काट दिए हैं। और आलू की खिचौनी को बनाने के लिए हमें पहले गर्म पानी करना पड़ता है। वैसे सबकी अलग अलग विधि हो सकती है, पर मैंने पहले भी बनाया था तो गर्म पानी करके। और ये प्याज टमाटर, इसमें मैंने 2 मिर्च, तो ये रेडी हो रहा है टेस्टी टेस्टी आलू की खिचौनी। और यहाँ पे अभी प्याज फ्राई हो रहा है और उसके इसमें जो आपको बीज दिख रहे हैं वो है धनिया, इससे काफ़ी टेस्टी होता है ये साग। तो गर्मा गर्म खाना रेडी है और ये है आलू की खिचौनी, तो मैं खा लेता हूँ पहले। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं थोड़ा ऊपर पे गया था शॉप पे, मुझे लग गई है भूख, तो मैं ले आया हूँ अपने लिए पेटीज़। और अभी तक मैंने शाम की चाय भी नहीं पी, तो शाम की चाय भी तैयार है, वो भी छोटे पेटीज़ के साथ। तो आजकल ना बैठे बैठे भूख लग रही है सोते सोते, तो दिन में ही मैंने खाना खाया था 1 बजे के समथिंग, और अभी 5 बजते ही मुझे भूख लग गई, तो मैं रोड पे गया था और पेटीज़ लाया मैंने वहाँ से। तो इस पेटीज़ को खाता हूँ और उसके बाद कहीं घूमने जाऊँगा, पक गया मैं यहाँ रूम पे रह रह के। और आज के ब्लॉग में सिर्फ मैंने खाया खाया और खाया और रूम के अंदर रहा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी मैं चाय और पेटीज़ का आनंद ले रहा हूँ। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और मैं इस साइड पुलिस लाइन साइड आ रखा हूँ घूमने के लिए। तो अभी मैं पार्क में जा रहा हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे दर्शन करे। तो अभी रात के 9 बज गए हैं और मैंने वहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, अभी तक मैंने पानी वगैरह भरा। तो खाना खाने से पहले कर लेते हैं आज का ब्लॉग एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। शाम को मैं घूमने गया था तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया था, क्योंकि मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, तो वो कह रहे थे कि मत बना के अभी ब्लॉग हमारे साथ घूम। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो अभी मैं चाय पी रहा था ना खाना खाने से पहले, तो मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। और काफ़ी गर्मी हो जाएगी, मैंने पंखा भी नहीं लगा रखा है, तो 2 सीटी तो मार ली है प्रेशर ने। अब उसमें चावल बनेंगे और आलू का साग दिन का बचा हुआ है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।